इट्स शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल पिक्सी डस्ट। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक सुपर मैजिक इंग्रेडिएंट फॉर सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हेयर्स। एंड क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट है वो? तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ। सो वो है घी। यस, घी, जो कि सबके घरों में मिलता है। सबके घर पर तो घी होता ही है, करेक्ट? सो घी हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, बट घी हम यूज़ कर सकते हैं बालों पे फॉर सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की हेयर्स। सो बेसिकली मैं ये घी जो है उसको लाइक 2-3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, अपने हेयर्स पे लगा रही हूँ मैं लाइक वीक में 2 बार या फिर वीक में 1 बार तो ऑफकोर्स मैं लगा रही हूँ। एंड मुझको इसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो जो घी होता है ना, वो बहुत अच्छे से हेयर्स को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। ऑल्सो घी लगाने से जो मेरे हेयर्स है उसके जो ग्रोथ है काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है। लाइक ऑल्सो बहुत ही घी लगाने के बाद मेरे जो हेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं एंड बहुत अच्छे से यू नो नरिशमेंट मिल जाता है। सो जो फ्रिजीनेस है वो तो बिल्कुल भी चले जाता है। सो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि जो घी है वो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ अपने हेयर्स पे। एंड गाइस, काफ़ी सिंपल है, बस घी चाहिए रहता है और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सिर्फ घी लगाना है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मिक्स करना है कुछ भी। लाइक आपको सिर्फ 10 मिनट भी, लाइक 5 मिनट लगेगा ये सब करने में एंड यू नो हेयर्स में अप्लाई करने में। सो या आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे ये जो घी है उसको अपने पूरे बालों पे लगाती हूँ। एंड या सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ टू स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइज, सो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको चाहिए टोटल 3 प्रोडक्ट्स। सो एक है हेयर ब्रश एंड द सेकेंड इज हेयर टाई एंड द थर्ड एंड मेन प्रोडक्ट इज देसी घी, प्योर घी। सो ये बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें बहुत ही कम घी बचा हुआ है अब। सो बेसिकली ये प्योर घर का बना देसी घी है। ये जो घी है वो मेरी मॉम इन लॉ ने हमारे लिए भेजा था एंड हमने इसको ऑलमोस्ट ओवर कर चुके हैं। तो आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर का बना हुआ घी नहीं है तो आप शॉप वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास यही घी है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। फॉर माई हेयर लेंथ मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ घी। सो मेरे हेयर लेंथ पर मैं इतना ही अप्लाई करती हूँ। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग घी ले सकते हैं कि आपका हेयर कितना लंबा है, कितना छोटा है एंड कितना यू नो अमाउंट, कितना क्वान्टिटी घी लगता है, बट मेरे हेयर लेंथ पे मैं 1/2 टेबल स्पून लेती हूँ, इतना काफ़ी होता है। ओके, सो मैंने घी को इस कटोरी में डाल दिया है एंड इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा सा 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है तो लगाने में ईजी होता है। सो मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करके आती हूँ। ओके, सो मैंने घी को माइक्रोवेव कर लिया 10 सेकेंड्स के लिए एंड अभी ये पूरा कम्प्लीटली लिक्विड हो चुका है। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से यू नो ब्रश कर लेती हूँ ताकि जितने भी अगर कोई टैंगल्ड है बाल या कुछ तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, कहीं पे भी यू नो टैंगल्ड ना रहे बाल। सो अब मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, ब्रश कर लिया है। सो अब मैं अप्लाई करूँगी ये घी एंड इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथों में लूँगी एंड देन हाथों को अच्छे से रब करूँगी, पूरा हाथ में घी लगाऊँगी एंड देन पूरे जो हेयर की लेंथ है उसमें अच्छे से इस घी को लगाऊंगी। तो अब जो भी घी है उसको थोड़ा सा मैं ऐसे हाथों में लेके जो मेरे यू नो रूट्स है उसमें मसाज करूंगी जिससे कि जो घी है वो प्रॉपरली रूट्स में भी लग जाए। ऑलमोस्ट अब जो मेरे पूरे हेयर्स है लाइक 80% ऑफ द हेयर्स जिसमें पूरा घी लग चुका है अच्छे से एंड नाउ जितना भी घी बचा हुआ है उसको मैं अच्छे से अपने बालों के एंड्स पे लगा लूँगी। बालों के एंड्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यू नो ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो अब आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो घी है उसको अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है, पूरा मसाज कर लिया है एंड अब बारी आती है हेयर टाई की। तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से लाइक रैंडमली एक हेयर बन बना लूँगी, एक टॉप हेयर बन जिससे कि जो भी बाल हैं
वो यू नो फेस पे ना आए, एंड क्योंकि इस पे पूरा घी लगा हुआ है तो स्टेनिंग का डर रहेगा, सो इसलिए मैंने बन बना लिया है. एंड जो ये घी है इसको मैं रखने वाली हूँ अपने बालों में अराउंड 2 आवर्स, एंड आफ्टर 2 आवर्स मैं शैम्पू कर लूँगी. ओके सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ 2 घंटे के बाद. सो गाइज आई एम बैक. सो मैंने शावर ले लिया है, शैम्पू कर चुकी हूँ मैं. सो जो घी था उसको मैं 2 आवर्स तक अपने बालों पे रहने दी, एंड देन मैं अच्छे से शावर ले चुकी हूँ. एंड अब मैं टॉवल से अपने जो गीले बाल है उसको रैप करके रखी हूँ, एंड प्रॉपर मेकअप एंड ऑल सब कुछ, स्किन केयर सब कुछ कर चुकी हूँ मैं. एंड फाइनली अब मैं जो अपना ये टॉवल है वो हटाती हूँ. सो गाइज बिना कॉम किए मेरे जो बाल हैं वो कुछ ऐसे लग रहे हैं, एंड ऐसे छूने में तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल, एंड उन्हें बहुत लाइट वेट लग रहे हैं. एंड या ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली जो मेरे हेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो गए, इनको जो प्रॉपर जो एक नरिशमेंट है वो मिल चुका है. सो या एंड अब मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेती हूँ. मेरे जो हेयर्स है वो अभी भी थोड़े बहुत गीले हैं, वो अभी तक पूरे यू नो ड्राई नहीं हुए हैं. एंड मैं प्रिफर नहीं करती हूँ कोई भी हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करना, मैं जस्ट हेयर्स को ऐसे ही ओपन छोड़ देती हूँ, ये अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं. अभी तो गीले हैं बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही स्मूथ शाइनी लग रहे हैं, एंड जब सूख जाएंगे तब तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे. सो या मेरे को बहुत पसंद है घी लगाना, एंड या बहुत अच्छे से मुझे पूरा जो भी है डिफरेंस पता चल रहा है, डिफरेंस दिख रहा है. मेरे जो बाल हैं वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर्स की जो एंड होती है ना उसकी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होता है, स्प्लिट एंड्स होते हैं. जब से मैं घी लगाना स्टार्ट की हूँ तो मैंने अपने जो हेयर्स में ड्राइनेस बहुत ही कम देखा है. पहले जितना ड्राइनेस रहता था, स्प्लिट एंड्स रहता था, वो अभी बहुत हद तक कम हो चुकी है. सो या एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बालों पे घी. कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि घी लगाने के बाद आप लोगों ने क्या क्या डिफरेंस अपने बालों में नोटिस किया. सो या एंड दैट्स अबाउट इट, आज का वीडियो यहीं तक था. एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा. एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो गाइस आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.